जी। फोन हैक करने के लिए पहले उसका आईपी एड्रेस ढूंढें, फिर उसके बाद हैकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ये क्या कर रही हैं आप? किसका फोन हैक कर रही हैं आप? मेरा फोन जो पापा के पास है, ताकि इसमें से सारे फोटोज डिलीट कर सकूं। प्लीज पढ़ने दो, डोंट डिस्टर्ब। ये आप हैकर कब से बन गए यार? जस्ट चिल। 101 जोक्स। एक्चुअली मेरा सुनने का चैलेंज लगा है कि जो बेस्ट जोक सुनाएगा ना, वो मूवी ही ना जो फ्राइडे की मूवी है। अच्छा, उसकी टिकट निकालेगा। क्या बात है एलाइची जी, बहुत अच्छा प्लान बना है। क्या हम ये जोक की बातें साइड पे रख सकते हैं? एलाइची जी, पिंकी जी बाहर आए हैं वो मोबाइल चोर को लेकर। तो क्या आप वो सेठ जी का चश्मा दीजिए ना। ए, आपकी अकल क्या घास खिलने गई है? आपको पता है ना कि क्या होगा अगर पापा ने वो चश्मा पहना? मोबाइल चोर पकड़ा जाएगा। मतलब? अरे मतलब क्या एलाइची जी, पिंकी जी उस चोर को पहचान कराने लाए, और अगर सेठ जी को उनका चश्मा मिल जाएगा तो वो पहन लेंगे और वो मोबाइल चोर को देख लेंगे, और अगर वो वही निकला तो एलाइची जी वो फोन भी तो उसी के पास होगा सेठ जी का। और पापा का फोन मिल गया तो मेरा वो राणा वाला फोन मुझे वापस कर देंगे। सो कूल। मतलब जितने बुद्धू दिखते हैं उतने बुद्धू है नहीं, है ना? मैं चश्मा लेके आती हूँ, चाहिए? ओके। नहीं बोले तो कमाल के थे वैसे सेठ जी। आपने देखा मतलब जानी पहचानी सी लग रही है शक्ल। मतलब आप समझ ना रही है सेठ जी, वो छिड्डो है ना, उसने कहीं फोटो देख ली ना तो आपको पता नहीं क्या होगा। वो ना ऐसा बेलन निशाना लगा के मारती, और आज तक उसका एक भी निशाना गलत ना हुआ। कभी चाकू छुरी ट्राई नहीं किया? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मैडम को ना चाकू छुरी से दूर ही रखिए। हाँ 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 मंगीलाल। पापा। हाँ। पापा। हाँ। मैं चश्मा ले आई, मिल गया। पता है कितनी मेहनत लगी है ढूंढने में। अच्छा, पहले 200 रुपए निकालो। अपने बाप की चीज ढूंढने के भी तू पैसे लेगी? बात कर रही बेकार। अरे सेठ जी, क्या कंजूसी कर रही है आप, दे दो ना उसको। बेटा दे देंगे वो, अभी तू चश्मा दे दे पहले जल्दी से। 200 रुपए? हाँ देंगे देंगे देंगे। अरे दे दूंगा, तू एक बार मेरा चश्मा तो दे। दे दो दे दो। ले 200 रुपए। सेठ जी, अच्छा अब जरा देखो इसको ध्यान से, ये वही है ना चोर? शक्ल दिखा दे बेटा। ये ना ना, ये वो चोर ना है ना। क्या बात कर रही हो सेठ जी, आप जरा ध्यान से देखो यार। पता है एक दिन में 20 मोबाइल निकले इसके जेब से चोरी के। अरे ना दरोगा जी, वो शक्ल तो बिल्कुल चोर ना लग रहा था, बहुत देर मुझसे बात कर रहा था वो तो। क्या मतलब आप मंदिर में उसके साथ गप्पे लड़ा रही थे सेठ जी? इसका मतलब हो रहा है कि आपने न्योता देके अपना मोबाइल चोरी करवाया। पापा। हाँ। पक्का ना ये वो मोबाइल चोर नहीं है? अरे वो क्या, मेरे मौसी का लड़का था जो मैं उसे बचाऊंगा। यहाँ तू भी बेकार की बात कर रही है। अरे यार आज सुबह से पिंकी जी का दिन कितना खराब चल रही है, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल मंगीलाल। अबे चल ना। अबे चलना ही कर रिया। चल 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 चल, चल। बदमाश, इस तरफ वहां का जा रहे, इधर आ। ओह गॉड, ये चश्मा और ये मोबाइल दोनों पापा के पास है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। होज तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। अरे राधा हमारी गोरी गोरी हो। सोनपाल जी, देखिए हमने उस पे फिर से विचार किया,
नहीं, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन आप भी मेरी भावनाएं समझिए, मेरी मजबूरी समझिए। अगर ये सब गुड्डू को पता चलेगा ना तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। पिंटू जी, एक दोस्त होने के नाते आपसे मैंने मांगा भी तो क्या, आपको सुन्नू की माँ की एक छोटी सी ख्वाहिश ही तो पूरी करनी है। पिंटू जी, अगर सुन्नू की माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना तो देखना वो आप ही के खिड़की पर आके बैठेंगी। इस याद के साथ ना अब जिया नहीं जाता, तो मैं सच से कूद कर उसी के पास चला जाता हूं। अरे सुन भाई, एक मिनट। दुपट्टा आप एक ही कंधे पे लीजिएगा। सुन्नू की माँ भी दुपट्टा एक ही कंधे पे लेती थी। अच्छी शर्ट है सिर जी। चटनी में डुबो कर खा ले, उससे ज्यादा स्वाद लगेंगी तेरी उंगलियां। जी। अरे कुछ काम ना कर रही है इसलिए तो मुंह में जा रही है, कुछ काम कर ले इनसे। जी। सर जी, हम क्या कह रहे हैं कि लाइए एक, अरे हमें अपना फोन दे दीजिए, हम ना चार्जिंग करके ले आते, सर जी जरूरत पड़ जाती। अबे चार्जिंग पे तो तुझे लगाने की जरूरत है, ढीला ढाला बैठा रहता, कुछ काम धंधा नहीं, काम की कहो तो कुछ ना, बस ऐसे ही बात कर रहा है बेकार की। नहीं एक बार, एक मिनट चार्ज। हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ लोटे है? अभी? अच्छा अच्छा, चल चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुन, मैं लोटे के पास जा रहा हूँ जरा। नहीं सेठ जी, क्यों 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 जा रहे हैं आप? सेठ जी मत जाइए ना, प्लीज मत जाइए ना सेठ जी, आप चले जाते हैं फिर हमारा मन नहीं लगता है, ऐसे मजा नहीं आता है काम करने में, आइए ना बैठिए ना प्लीज। अरे इतने प्यार से तो कभी करूँ ने भी ना रोका मुझे, और तू खाम खा मेरी महबूबा क्यों बना जा रही है आज ये बता। देखिए देखिए सेठ जी, आप इस तरह से नहीं जा सकते, बस बस हम आपको बता रहे हैं आप नहीं जा सकते, ऐसे दुकानदारी पे असर पड़ता है सेठ जी, आप रहते हैं ना ज्यादा लक्ष्मी आती है। इलायची। अबे बात, इलायची ये और चला आता है वहां से। चल देर। सेठ जी हम क्या कह रहे हैं, एक सेकंड प्लीज, आप थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठ जाइए फिर जाइएगा। अरे बेकार की बात मत कर। अरे सेठ जी, अरे रुक रहा मैं, क्या जाओ तू, बैठ जाओ ना। अरे सेठ जी, अरे तुम क्या तो रहा हो, तुमसे तुम्हें आधे घंटे बाद चले जाना। देखिए हम क्या कह रहे हैं, काम कर चल। पापा कहाँ? लोटे के पास। क्या? वो लेकर? हाँ। मैंने बोला तेरे नजर रखो। अरे जाने कैसे दिया आपने? अरे क्या जाने कैसे दिया एलाइजी जी, हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, अब हम क्या करते हैं यार, अब क्या चाहती है, हम उनके ऊपर कूद के ऐसे दबोच लेते, हमने उन्हें बोला रुक जाइए लेकिन वो करके ऐसे खुजली वाले कुत्ते की तरह निकल गए, हम क्या कर सकते हैं। सॉरी हमारा वो मतलब नहीं था। जस्ट शट अप। हमें पर... नहीं कुछ भी करके रोकना चाहिए था। अरे बेहोश हो जाते कुछ तो करते, अगर अगर पापा ने वो फोटोज देख लिए ना तो पता है हमारा क्या होगा, लेकिन नहीं। अरे यार कुछ भी करो, जाओ रोको उन्हें फोन इस्तेमाल करने से। गो गो टॉमी, गो जस्ट गो टॉमी। कोशिश करते हैं।
राखी बनेगी। सीढ़ी, ऐसी फोटो खींचना कि लड़की देखते ही झूम जाए। अभी तो तुझे देख कर लड़की को चक्कर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है तू। अरे बाल तो ठीक कर ले अपने। सीढ़ी, मैं क्या कह रहा हूँ, इलायची के लिए थोड़ी सी खीर बांध दूँ? अबे ऐसी खीर में तेरी नाक डुबोगा, तेरी जान ले लूंगा। लो सीढ़ी, मैं फिर तैयार हो गया। लो, और कुछ बदलना है? हाँ, शक्ल बदल ले अपनी। सीढ़ी, हौसला तो मत तोड़ो मेरा, शादी के लिए फोटो भिजवानी है, कोई तलाक के लिए ना भिजवानी है, एक प्यारी सी फोटो निकाल दो इसी बात पे। हाँ खड़ा हूँ। सीढ़ी, सच्ची बता रहा हूँ, कसम से मैं सब खून पी जाऊं। सीढ़ी, चाहता क्या है सीढ़ी ये? अबे खनागन, ये क्या बदतमीजी, ये क्या कर दिया तूने ये? सेठ जी पंचम, आज एक नौकर अपने मालिक की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इज्जत बचाने की? मैं क्या घुंघरू बांध के पैरों में ऐसे सड़क पर नाच रहा हूँ, बात कर रहा है बेकार की? सीढ़ी, आपकी बेइज्जती की बात कर रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है। सीढ़ी, मैं कोई आठ पैर वाला कीड़ा हूँ जो आप मेरा फोटो ना खींच सकते? वही तो मेरी समझ में ना आ रहा है कि माजरा क्या है। सेठ जी, माजरा क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेठ जी, आप एक जवान बेटी के बाप है और आप ऐसे फोटो खींच रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप? अबे इसमें मेरी बेटी बीच में कहां से आ गई? और इलायची कैसी है? तेरा खून पी जाऊंगा। अगर तूने सेठ जी की बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो तू कुछ ज्यादा ही सगा ना हो रहा है मेरा। सेठ जी, आप हमारे पिता समान हैं और आंटी जी हमारी माँ समान है, और देखिए सेठ जी, हम आंटी जी की बेइज्जती नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे बस। तू मेरी बीबी को बीच में कहाँ से ले आया इसमें? सेठ जी, देखना धीरे धीरे ना, तो आप पूरे गांव को बीच में ले आएगा। देखिए भाई साहब, अगर हमें लाना पड़ा तो हम लेकर आएंगे। सेठ जी बस, बहुत हो गया, आप अपनी बेइज्जती और नहीं करा सकते, आप इस दो कौड़ी के आदमी की फोटो नहीं खींच सकते, मतलब नहीं खींच सकते, बस बस। अच्छा, दो कौड़ी जी, तो उससे ज्यादा कमाई है इसकी? कमाई से क्या होता है सेठ जी, पैसा कमाने से क्या होता है? हम बंसल 420 लहंगा सेंटर में नौकर का काम करते हैं, हम आपके यहाँ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, ये क्या करता है? हमारी इज्जत ज्यादा हुई और हम ये इज्जत इसे नहीं लूटने देंगे। अच्छा, अब तू कौन से ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, पता नहीं किस दिशा में बात को ले जा रहा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर खुद बीच में घुस गया। आप बस हमारे साथ चलिए, बस बहुत हो गया। अरे नीमू जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे यार, आते होंगे, पापा पे निगरानी करने के लिए रखा है उन्हें। ला जीजा जी, ये लो भुट्टा खाओ, पता है इस मौसम में ना भुट्टा खाने का ना मजा ही अलग होता है। अच्छा, मुझे तो क्या बात है, लाइसी जी, इतना बुरा समय चल रहा है और आपको भुट्टे के मजे लेने हैं। लगता है आप ये भूल गए हैं कि सेठ जी के पास ना आपका फोन अभी भी पड़ा है और वो फोटो अभी भी उसमें है। अरे यार, मैं आपकी तरह ना छोटी-छोटी बातों की ना टेंशन नहीं लेती हूँ, प्लीज। लाइसी जी, छोटी बात है, हमें ये डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो हमें यहाँ गाड़ेंगे या फिर आंगन में या रोड पे, पता नहीं कहाँ। अरे इस टेंशन का भी सलूशन निकाल लिया मैंने। इलायची जी, एक सलूशन हमारी समस्या का भी निकाल लो, इनके पापा के शौक जो ना तुरई के बेल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, अब मैं उसके लपेट में पड़ा हूं। नहीं यार, अब क्या हो गया, सारा टाइम मेरे पापा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ इलायची जी, हम तो इन्हें दुल्हन बनाने की जुगाड़ पट्टी में लगे, लेकिन इनके पापा हमें इनकी यशोदा मैया बनाने तुले पड़े। यार रीलू, मेरी बात सुन, इनको ना कहते चुप कर जाए, ठीक है, बकवास करते रहते सारा टाइम, किसका क तो इनसे होता नहीं, दुल्हन बनाएंगे मुझे, इनके कारण ना मेरी पूरी की पूरी जिंदगी स्कूल लेने में बीत जाएगी, मैं बता रही हूँ तुझे। इलायची जी देखो, जो भी हो इन्हें समझा लो या अपने पापा को समझा ले, मुझसे ये लहंगे महंगे ना पहने जाएंगे। क्यों नहीं पहनोगे लहंगे, आप ही तो पहनोगे लहंगे, मैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनूंगी, यही पहनेंगे लहंगे बस। अरे तुम लहंगे पहनोगे, हमें साड़ी पहन के ही परेशान, लहंगे क्यों पहने बताओ? हद हो गई है यार, साड़ी लहंगे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे हमारा पहले दिमाग खराब है, कैसी बात कर रही है, देखो इलायची हम। अरे यार क्या है, भुट्टा भी नहीं खाने दे रहे, अरे साड़ी लहंगा सेम चीज होती है, लहंगा पहनने के लिए बोल रहे हैं, वन पीस नहीं, चौतनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे इलायची जी शांत हो जाइए, ये लीजिए भुट्टा, पकड़िए, खाइए खाइए, और ये बताइए कि करना क्या है।
मिसेज अग्रवाल, सूरज को भी जल चढ़ाने का समय होता है। लाइसी जी, ये तो बताइए अब करना क्या है? जो करना है वो मैं करूंगी, बस आप देखते रहिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्यूटी पिंटू जी, क्या आप तैयार हैं? अब पिंटू जी, अब मेरे गले में हाथ डाल करके मेरी आंखों में ऐसे देखिए जैसे आपको खोया हुआ प्यार मिल गया हो। सोनपाल जी, फोटो कैमरे से खींचे जाएंगे, आंखों से नहीं। हाँ पिंटू जी, पता है, मैं तो बस एंगल चेक कर रहा था। डंडल भी ना, पता ना कहाँ तफरी मार रहा है। काम के टाइम पे अपने भूभू के पल्लू में जाके छुप जाता है। आने दो, इसको बताऊंगा मैं फिर अभी। साहब हिसाब किताब पता ना क्या करके गया ये। समझ में आ रहा कौन सा माल कहां से आया, किसका पैसा दे गया ये ना दिया। यार एक मिनट। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। बहुत ही बढ़िया दुकान है आपका। ओ हमारी बसंती अकेले कोनो बढ़िया से लहंगा दिखाइए ना। हाँ तो हमारे यहाँ कोई बोरी से बने हुए लहंगे नहीं बनते, बढ़िया बढ़िया ही माल मिलता है भैया। कौन सा दिखाऊं बताओ। सेठ जी, हम आपको पहले दाम बता दीजिए, उसी के बाद ही हम ऐसे ना चुन लेंगे लहंगा। ओ ओ ओ लाल वाला दिखाइए। लाल वाला, एक मिनट। आहा, ये वाला। हाँ, ये देखिए, ये लहंगा जो है 5,000 रुपए का है। हे भगू, मर गई। वो पीला वाला, उसमें तो आप 2 बार मर जाएंगी, 10,000 का है। पिंटू जी, अब अपनी आंखों में ना थोड़ा नशा लेकर आइए। ना मैं दिन में ना पीता। मतलब मैं नशा कहाँ से लेके आऊँ, मैं तो पीती नहीं ना। पिंटू जी क्या बात कर रही हैं आप, आपकी आंखें ना एक छलकता हुआ जाम है, बस कोई 2 मिनट देख ले तो वो नशे से झूम उठेगा। पिंटू जी, सोनपाल जी, आप मुझसे मॉडलिंग कराने आए हैं या दारू का ठेका खुलवाने? देखिए फोटो लीजिए जल्दी से, मुझे फायरिंग कीजिए। हाँ पिंटू जी, आप भी ना बिल्कुल सुन्नू की मम्मी की तरह, उसे भी हर बात की जल्दी, ऊपर भी जल्दी चली गई। अरे बस सुन पाल, रोइए मत, देखिए फोटो हो गए। हाँ पिंटू जी, फोटो तो हो गए, पर अब सुन्नू की बात से किया हुआ दूसरा वादा आपको निभाना होगा। दूसरा वादा? हाँ, दरअसल लहंगे की दुकान के बगल में ना एक और चीज की दुकान है, आपको उसकी भी मॉडलिंग करनी होगी। Yeah.
हाँ।